नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और शाम के समय से आज हमने ब्लॉग की शुरुआत करी है। तो दोस्तों ये है हमारी बगिया में, देखिए इतना बड़ा आम का पेड़ लग रखा है। ये छोटा सा आम का पेड़ लग रखा है और दूसरी तरफ भी आम का पेड़ ही लगा हुआ है। ये देखिए तो बहुत सारे आम के पेड़ लग रखे हैं, लेकिन एक ही आम का पेड़ जो है ना वो बहुत बड़ा हो पाया है। और यहाँ पे आज तक के पापा आए थे मिट्टी लेने, बगिया के दूसरी तरफ आए हैं। कल के दिन जो दीवार बनानी है उसके लिए मिट्टी है नहीं, मिट्टी ख़त्म हो गई थी इसलिए। है दोस्तों अनार का पौधा, दो है इधर पे। तो आस्था के पापा कुछ मिट्टी यहाँ से लेके जा रहे हैं, कुछ बगिया से ही खुदा के लेके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा था ज़रूरत, थोड़े से के लिए कम पड़ गया था, तो वही यहीं से ही उठा ले रहे हैं। और शाम का समय हो रहा है, धूप वगैरह तो चला गया है, तो काम करने में थोड़ा सा आसानी सा हो रहा है। तो मिट्टी भर ली है और अब लेके चलते हैं घर की तरफ। तो बगिया और घर के बीच ना बहुत ज़्यादा ही फासला है, काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए यहाँ से लेके जा रहे हैं और घर बिल्कुल वहाँ है उस कोने में। तो आस्था आस्था के पापा और देवर तीनों ही मिलके ही ये काम कर रहे थे और आस्था के पापा वहाँ से मिट्टी लेके आ रहे हैं और यहाँ पे डालेंगे भीगने के लिए। रात भर भीगेगा जब जाके कल का काम जो है हमारा हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों हमारे यहाँ देखिए सुबह सुबह हो गई है बारिश अच्छी खासी और अभी भी बारिश हो ही रही है। तो बस अभी हम चाय बनाएंगे, पियेंगे। सारा सामान हमने अंदर कर दिया है और उधर देखिए कंडों को ढक के रख दिया है। कंडों को अंदर रखना है, अब पता नहीं कब तक अंदर रख पाएंगे। तो अभी फिलहाल तो सुबह का समय है, यहाँ पे बैठे हैं, चाय पीना है। दोस्तों आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप इस कमरे को गाय वाला कमरा बना लें। अगर हम इस कमरे को गाय वाला कमरा बना लेंगे तो यहाँ से जाएगी गाय, तो ये भी कमरा किसी लायक नहीं है, तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तो ये दिक्कत है। अभी अभी हम जैसे तैसे काम चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक अपने लिए एक पक्का रूम बनवाएंगे उस तरफ, जहाँ पे ईंटों से दीवार बनाई है ना, वहाँ पे हम अपने लिए एक रूम बनवाएंगे, तो उसमें रहेंगे हम। और उसके बाद फिर ये वाली जो जगह मिट्टी वाली जगह होगी, कमरे होंगे, इन्हें हम कर देंगे खाली। इनमें भूसा कंडा गायों को ही रखेंगे और हम वहाँ पे एक कमरा और एक किचन बना के हम फिर वहाँ पे रहेंगे। तो ये है। और इस कमरे में अंधेरा है, खिड़की के लिए हमने सोचा था, लेकिन जहाँ हमें खिड़की करनी है वहाँ पे हमारी टीवी लगी हुई है, तो बहुत सारे अटर हैं, मतलब एक काम के पीछे भी 10 काम रुके हुए हैं, इसके कारण ना वो हो नहीं पाता है। इसके कारण बस एक काम के पीछे और भी कई काम है। तो आस्था नाराज हो रही है, आस्था को कुछ कहना है, बताओ आस्था। बोलो ना, बोलो, नहीं बोल रहे। तो दोस्तों सुबह सुबह बारिश हो गई ना, तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया, सुहावना हो गया, बिल्कुल बहुत ही मस्त मौसम हो गया। तो दोस्तों आज होना है काफ़ी ज़्यादा काम और यहाँ पे जो दीवार है ये आधी है, कंप्लीट नहीं हो पाई है, थोड़ी सी बच गई थी।
तो उसे आज पूरी करनी है। तो यहाँ पे जो हमने नीम का पेड़ काटा था वो हमारा था नहीं, वो मतलब लेकिन वो था हमारे ही जगह पे, लेकिन मतलब किसी रीजन से वो हमारा नहीं था। तो वही नीम का जो पेड़ है उसे इन इस तरफ डालना है, जो ये जो जगह है ना इसमें ही डालना है, इन्हीं का है क्योंकि, तो इसलिए ये पेड़ सुबह सुबह काटा जा रहा है। ये छोटा सा कांटे वाला एक पेड़ है, तो इसे काट के ताकि उस पेड़ को वहाँ रखने की जगह बन जाए, इसीलिए। मार दे वहाँ का धक्का, गिर जी अपने यहाँ। तो दोस्त देखिए यही रहा पेड़, और ये तीन लोग लग गए हैं पेड़ को, मतलब हमारा है नहीं तो हम क्यों रखेंगे, इसलिए जिनका है उन्हीं के यहाँ पे ज़मीन में रख दे रहे हैं, और वो अपना पेड़ अपनी तरफ रखें और जो भी उनका काम हो वो करें, क्योंकि यहाँ पे आंगन में फैला हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर आंगन को और सही करना है, जितने भी सारे सामान हैं फालतू के पड़े हुए वो सब हटाने हैं। आस्था के पापा को आज सोचा था उन्होंने कि सफाई भी कर देंगे, लेकिन काम इतना जल्दी हो नहीं पाता है, और धूप आ जाती है बहुत जल्दी सर पे, और बहुत तेज़ वाली धूप आती है, उसकी वजह से और सभी काम हो नहीं पाते हैं। तो देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, ये वाली सामने जो दीवार दिख रही है यही रह गई है, इसी को आज करना है पूरा, इसके बाद ये बाउंड्री पूरी फाइनल हो जाएगी। तो दोस्तों दीवार उठानी है ऊंचाई पे, इसीलिए ये वाले ड्रम जो है ये नीचे लगा देंगे, ताकि इस पे खड़े होके आराम से दीवार की उठाई हो सके। तो आस्था के पापा खुद ही उठाई का काम कर रहे हैं, और मतलब मिस्त्री था ही नहीं, इतने से काम के लिए कोई मिस्त्री लगता भी नहीं, तो इसलिए फिर आस्था के पापा को थोड़ा बहुत आता है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ही कर लेता हूँ, अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होगी भी तो अपने घर की ही दीवार है। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा ड्रम वगैरह सेट करने लगे हैं, और इसके ऊपर रखेंगे पटिया। तो अभी था सवेरे का टाइम, तो धूप अभी देखिए इतनी है नहीं, और सुबह फिर बारिश हुई थी हल्की सी, तो थोड़ा सा मौसम भी ठंडा था, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा ने जो कल शाम के समय में मिट्टी लाई थी उसमें पानी डाल दिया था 2-3 बार, उसके बाद जाके अब वो गीली हो गई है। और मैं यहाँ पे जो आज आस्था के पापा काम करेंगे उसमें वो अकेले नहीं कर रहे, देवर भी है और दूसरा चाचा जी का लड़का भी है, तो वो सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सबके लिए खाना बनाने में लग गई हूँ, क्योंकि अगर मेहनत कर रहे हैं तो भैया भूख तो लग ही जाती है बहुत जल्दी सुबह, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह ही बिल्कुल खाना बनाने लग रही हूँ, और पराठे बना रही हूँ, खाना नहीं बना रही, नाश्ता बना रही थी के खा लेंगे जब, क्योंकि यहाँ पे गांव में सभी लोग जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी जग जाते हैं, इसलिए ना भूख लग जाती है सुबह उठने के साथ ही। लेकिन अगर इतनी मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि रोटी पराठे पूड़ी वगैरह कुछ होना चाहिए, और फ्रूट वगैरह से नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाए हैं, प्याज काट दिया है, आम का अचार रख दिया है, और चटनी। उसके बाद दोस्तों काफ़ी समय बाद जब सब ने खाना पीना खा लिया है, दाल चढ़ा के मैंने छोड़ दी थी, और अब मैं यहाँ पे दाल छौंक रही थी, और दाल चावल दोपहर के लिए बना। तो दोस्तों खाना पीना का काम कंप्लीट करने के बाद ना मैंने यहाँ की सफाई कर दी है, झाड़ू लगा दिया है इस वाले कमरे में। और आस्था के पापा कह रहे थे कि जो भी कपड़े तुम्हारे यहाँ वहाँ पड़े हैं बिस्तर वगैरह के, तो वो सारे इस ड्रम में भर के रख दो, जब हमें यूज करने होंगे तो हम धो के फिर से यूज किया जाएगा सर्दियों के दिनों में। तो ये ड्रम हमने निकाल रखा था पानी भरने के लिए, लेकिन अब पानी का इतना काम लगता नहीं है, तो फिर इस ड्रम को वापस
हम रख दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसमें से सारे सामान भर के रख दो और इसको मैं फिर उठा के दूसरी तरफ रख दूंगा। तो वही मैं कर रही थी, जितने भी कपड़े मेरे घर में इधर उधर जो भी पड़े रहते हैं पड़े हैं तो उन सभी को उठा के मैं इसमें भर दे रही हूँ। तो आ गए हैं आस्था के पापा सब्जी वगैरह लेके, और ये देखिए अभी कितनी तेज धूप हो गया है, क्या क्या लाए हैं सब्जी लेके आए हैं। झूला में आज वजन बहुत ज्यादा है, आम लाए होंगे ना। आम वगैरह उसके दिखाओ सर, पता लगेगा सर। एक चीज बहुत दो है वो चीज। रुक जा ऐसे नहीं निकालो। देखिए दोस्तों ये आ गई हैं पूरे मंगल, दो दो तरबूज। ये हरेगा एक वैसा। ये आ गई लौकी, हलवा बनाएंगे। ये है हमारा लौकी। इनमें देखिए आम है और खीरे हैं, खीरे हैं। ये देखिए ये है, क्या है इसे, बोड़ा हम कहते हैं, कोस। टमाटर है, कदुआ है। ये देखिए कितनी बड़ी प्याज है, ये इतनी बड़ी। तो दोस्तों जो हरी सब्जियां हैं उन सभी को हम इसमें डाल देंगे और फ्रिज में रख देंगे। ताकि जल्दी खराब ना हो, फ्रिज हमारा हमेशा चालू ही रहता है। परवल की पन्नी, हाँ परवल नहीं, परवल शाम को बनेगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ परवल जरूर आते हैं मंगलवार वाले दिन, और परवल की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, आज बनाऊंगी। और एक कद्दू भी रख दो, इसको तो ऐसे ही रख देना। और कौन सा सब्जी? आम क्यों सर? आम नहीं रखना सर, आम काटने, अचार बनाने के लिए। काटी एक क्या बनाना, अपने छोड़ने मम्मी आज बोली नहीं है सब्जी की, सब्जी में कितनी चीज लगती है। तो दोस्तों ये आ गई है पूरी हमारी एक सप्ताह की सब्जी, इसको अब स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे। और प्याज आलू इस झोले में है तो इसे एक बड़े से टोकरी में भर के रख देंगे प्याज और आलू, क्योंकि फ्रिज में नहीं रखे जाते। अब वो रहे तरबूज, तो तरबूज को भी काट के फ्रिज में रखेंगे, तरबूज तो बहुत सारे ले आए। तो दोस्तों यहाँ पे सभी सब्जियों को रख दे रहे हैं अंदर, और तरबूज काट के फ्रिज में धर देंगे, ठंडा हो जाएगा तब खाएंगे तो अच्छा लगेगा। और आम के अचार भी बनाने हैं, और अगर आम को तुरंत लाके अगर तुरंत ना काटो ना, और एक दो दिन हो जाए तो वो फिर अब पीले पड़ने लगेंगे, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है तो वो पक जाएंगे अंदर से, और फिर अचार जो है सही नहीं बनेगा, खराब हो जाएगा। तो आम का भी आज ही कुछ ना कुछ करना है। तो यहाँ पे मैंने आलू प्याज भी दलिया में भर के रख दी है, तरबूज काट के देखा तो वो कटा नहीं था, फिर अब ऐसे ही ले जाते हैं अंदर और रख दूंगी सभी सामान। तो दोस्तों दोपहर में, दोपहर के लिए मैंने बनाए थे दाल चावल, और यहाँ पे भूख लग गई है, सभी स्कूल से आ गई है और आस्था के पापा भी बाजार से आ गए हैं। तो परस देते हैं सबके लिए खाना, और मैं भी खा लूँगी क्योंकि मैंने भी नहीं खाया था खाना।
तो पानी वगैरह सब कुछ रख दे रही हूँ। रास्ते के पापा का खाना प्रयोग किया, आस्था का भी प्रयोग किया है और बस अब मैं भी खाना खाऊंगी। तो दोस्तों, आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा है? ऐसा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नहीं करते हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ब्लॉग अगर पसंद आता है तो लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।